सांसद सागर खंडे ने अपने बीदर दौरे के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मुलाकात के दौरान उन्होंने संवाददाता डॉक्टर मसूद से बात करते हुए कहा कि बीदर उद्योग को बढ़ावा देने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा राजनीति में युवाओं को मौका देने के लिए वह पार्टी में जोर देंगे और आगामी जिला पंचायत चुनाव सहित राज्य में अन्य चुनाव के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। कैमरामैन को पूरा आज का कवरेज। आप अपने यूथ के लिए, अपने साथियों के लिए, उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि आप खुद एक यंग लीडर हैं, तो डेफिनेटली और भी यंग लीडर्स आपके साथ थे, आपके साथियां थे, तो उनके लिए भी या उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या करें? डेफिनेटली अभी क्या हो रहा है, यंगर जनरेशन और सीनियर जनरेशन में जनरेशन गैप है। अभी यंगस्टर्स को, युवा को, सीनियर लीडर्स को जाकर मिलना है तो उनका थोड़ा डर लगता है कि वो रेस्पॉन्स देते कि नहीं बोलकर, तो वो जनरेशन गैप इधर ब्रिज होता है। उनका कुछ भी समस्या रहने दो, मैं उनके साथ रहूँगा, कभी भी आकर मुझे मिल सकते हैं, कौन से भी समस्या लेकर आ सकते हैं, 100% मैं ट्राई कर उनका समस्या सॉल्व करने के लिए मैं काम करूँ। सागर जी, एक और सवाल कि अब जो आने वाले इलेक्शंस होंगे या जो भी होंगे, बॉडीज़ के इलेक्शन है, लोकल बॉडीज़ के वगैरह, तो उसमें यूथ को आप प्रेफर करेंगे बीदर से, यूथ को इनक्रेज करने के लिए, ताकि यूथ लीडरशिप जिला परिषद ZP हो या तालुका पंचायत हो, CMC हो, यानी जो आने वाले इलेक्शन है, खासतौर से अब निकटतम जो है हमारे पास ZP इलेक्शन है, तो यहाँ से यूथ को रिकमेंड करेंगे? डेफिनेटली यूथ को भी रिकमेंड करेंगे, और सबसे ज़्यादा यही होगा, विनेबिलिटी फैक्टर होगा कि कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर आ सकता है, वो सर्वे करेंगे, हमारी पार्टी की तरफ सर्वे करेंगे, और हमारे सभी सीनियर लीडर्स, सभी हमारे जिला के लीडर्स मिलकर एक डिसीजन लेंगे। मैं 100% युवा के लिए मैं सपोर्ट करूँगा, ट्राई करूँगा उनको भी टिकट लेकर आने की। हाल ही जो चुनाव हुए, उन चुनाव में ग्राउंड पे आपके साथ जो यूथ आपके साथ जुड़े हुए थे, जो यूथ लीडर्स कांग्रेस के आपके साथ जुड़े हुए थे, आपकी सफलता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, विलेजेस में वगैरह जो है बहुत ज़्यादा वर्क किया यूथ लीडर्स आपके, तो ऐसे लीडर्स को, क्योंकि आप उनकी स्टडी कर चुके हैं, तो ऐसे लीडर्स को अगर आप रिकमेंड करते हैं और ऐसे लीडर्स को अगर आप फॉरवर्ड करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी नेम्ड। डेफिनेटली 100% मैं उनको रिकमेंड भी करूँगा, 100% मुझे उम्मीद भी है कि उनको टिकट लेकर भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं होगा, ये सभी हमारे जिले के सभी कांग्रेस लीडर्स, सभी को पता है कि कौन अच्छे से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कौन नहीं, और सिर्फ मुझे नहीं, सभी हमारे सीनियर लीडर्स के मन में भी है कि हमें यूथ लीडर्स और ज़्यादा उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको लीडरशिप रोल्स में लेकर आना चाहिए, तो इसीलिए 100% हम सभी लोग, कौन कौन यूथ, कौन कौन पार्टी वर्कर्स, कौन कौन अच्छे से पार्टी के लिए काम किए, उनको ही सपोर्ट कर उनको ही टिकट हम लेकर आएंगे। क्योंकि बीदर में यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए डॉक्टर अयाज खान साहब ने जो है ऑलरेडी एक पहल की, जिसके वो KP के नाम से जाना जाता है, जिसमें यूथ को चांस दिए और यहाँ के यूथ का टैलेंट दिखाने के लिए इस चैनल को पिछले 3-4 साल से जो है डेवलप करते आ रहे हैं। तो आप KP को और अयाज खान साहब के इस वर्क को किस तरह से? डेफिनेटली आप सभी को मेरा धन्यवाद मैं बोलता हूँ, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, क्या क्या इश्यूज़ है, अच्छे से लोगों के कौन सा भी इश्यूज रहने दो, अवेयरनेस आप स्प्रेड कर रहे हो, ऐसे ही आगे के दिन में भी आप अच्छे से ऐसे ही काम करते रहो, यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।